वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2, पार्ट सेकंड। क्वेश्चन 1 इज दियर, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन और क्लोज। ठीक है, आपको क्लासिफाई करना है, इट मीन्स आपको क्या करना है, इसको अलग अलग करना है ओपन और क्लोज में। ठीक है, तो ओपन के लिए मैं ओ वर्ड यूज कर लेता हूँ, क्लोज के लिए सी यूज कर लेता हूँ, तो क्लासिफाई हो जाएगा। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व, तो पहला आप देखेंगे, पहला क्या है आपका, पहला फर्स्ट ए, ए कैसा दिख रहा है आपको, ए जो है आपका कैसा है, ओपन है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ओपन, ओपन के लिए मैंने ओ यू वर्ड यूज कर लिया है। ठीक है, राइट, देन ये देखो, ये आपका ओपन आपको दिख रहा है क्या, नहीं। ये आपका कैसा है, ये आपका है क्लोज। ये देखो डायग्राम, हाँ यहाँ से थोड़ा सा ओपन जैसा दिख रहा है, ये आपका हो गया ओपन। ट्राइंगल तो हमेशा क्या होता है आपका, क्लोज होता है। और जो लास्ट दिख रहा है आपको डायग्राम बुक में, ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका क्लोज है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 तो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्लासीफाई करना था कर्व को ओपन और क्लोज। तो ये फर्स्ट नंबर का आपका ओपन, सेकंड का क्लोज, थर्ड ओपन, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। आपको रफ डायग्राम आपकी मैथ्स की नोटबुक में क्या करना है, ड्रॉ करना है। पहला दिया तो ओपन कर्व, एक ओपन कर्व का कोई भी, देखो यहाँ पर किससे बनाया ना उसे अलग अलग तरीके से, आप ओपन कर्व का कोई भी एक डायग्राम बना देना। देन क्लोज कर्व, क्लोज कर्व का भी आप इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओ, जैसी आपकी इच्छा वैसी आप बना सकते हो क्लोज कर्व का। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ से करना है, घर से, बिकॉज ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। टू डायग्राम आपको आपकी मैथ्स की नोटबुक में ड्रॉ करना है, जिसमें एक कर्व ऐसा जो ओपन हो और एक क्लोज हो। ठीक, ओके, नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन, ठीक है, एंड शेड इट्स एंटेरियर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इट मींस जिसकी 5 साइड्स हो। ठीक है, 3 साइड है तो ट्राइंगल, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटर और 5 साइड है तो पॉलीगॉन। तो आपको 5 साइड का एक पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करना है, एंड शेडेड इट्स एंटेरियर, और उसके अंदर के पार्ट को आपको क्या कर देना है, शेडेड कर देना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रफली यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाकी आप आपकी मैथ्स बुक की बुक में अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो इस तरफ कर देता हूँ, पॉलीगॉन बोला उसने, देखो ये आपका इस तरह से जाएगा। ठीक, ये आपका, ठीक है, तो इसके 5 साइड हो गए पॉलीगॉन। आपको क्या करना है, इसको अंदर से पूरी तरह से शेडेड कर देना है। ठीक है, आपको आपकी मैसी बुक में अच्छे से बनाना है, बराबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 इज दियर, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, कंसीडर द गिवन फिगर, तो फिगर कहाँ है, सबसे पहले फिगर देख लेते हैं हम लोग। इस फिगर को आप ध्यान से देखो, ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको आंसर देना है, इज इट अ कर्व, क्या एक कर्व है, यस ये कर्व है। ठीक है, इज इट क्लोज, क्या ये क्लोज है, हाँ भैया सब जगहों से तो क्लोज दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों के आंसर क्या आएंगे हमारे पास में, यस ये कर्व है, यस ये क्लोज है, हाँ ये भी क्या आपका आंसर आएगा यहाँ पर, यस आएगा, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ अ रफ डायग्राम। ठीक है, पर 3 क्वेश्चन दिए हुए, अ क्लोज कर्व डेट इज नॉट अ पॉलीगॉन। आपको ऐसा एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, जो क्या हो, क्लोज हो लेकिन पॉलीगॉन ना हो। ठीक है, हम लोग कोई भी बना सकते हैं। फिर एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आपको एक ओपन कर्व बनाना है, लेकिन इसमें यूज किसका करना है, लाइन सेगमेंट का। और थर्ड दिया है अ पॉलीगॉन विथ 2 साइड, और आपको एक ऐसा पॉलीगॉन ड्रॉ करना है विथ 2 साइड, जिसकी साइड कितनी हो,
टू साइड हो ऐसा पॉलीगॉन, तो ऐसा पॉलीगॉन तो शायद नहीं है। ओके तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं ना। हमारा लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया था कि अ क्लोज कर्व डज नॉट अ पॉलीगॉन। देखो मैंने यहाँ पर एक क्लोज कर्व जो है ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, ये पॉलीगॉन आपका नहीं है। किसका आंसर है आपका ए का। सेकंड था एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। ओपन कर्व बना लेकिन यूज ऑफ लाइन सेगमेंट, तो देखो ये लाइन आपकी बन गई, ये लाइन बन गई, ठीक है, तो देखो ये ओपन भी है और मेरा कर्व भी बन गया। थर्ड था पॉलीगॉन विद द टू साइड, पॉलीगॉन टू साइड का नहीं होता है, तो हमारा सी का आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल, क्या आएगा, नॉट पॉसिबल, राइट। नाउ अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन वन इज दिया नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। आपका पर फिगर दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, ठीक है, यहाँ पर लिखा नेम द एंगल इन द गिवन फिगर, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एंगल लिखने है। तो यहाँ पर फोर एंगल मेरे पास में ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, आपको देख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर क्या है आपका बी, बराबर, तो मेरे पास कितने एंगल्स है, फोर एंगल है, तो यहाँ पर मुझे बोला नेम द एंगल इन द गिवन फिगर, तो उनके एंगल कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो हमको एंगल ए अगर लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल ए, तो देखो डी और बी, ये आपका डी और ये बी, ये बन गया आपका एंगल, ठीक है। फिर सेकंड एंगल अगर आपको लिखना है तो सेकंड एंगल आपका क्या है, बी है, तो बी को आप ले लो मिडिल में, क्या बचा आपके पास, ए एंड सी बचा, ठीक। थर्ड एंगल ले लो आप, थर्ड क्या आपका सी, तो क्या बचा आपके पास में, बी और डी, और फोर ले लो आप, आपका है डी, तो आपके पास क्या बचा, सी और ए, तो ये आपके कितने एंगल्स हो गए, फोर एंगल्स हो गए, तो एंगल्स मेरे पास क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। क्वेश्चन था नेम द एंगल इन द गिवन फिगर, तो मैंने चारों एंगल के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट, ठीक है, आपको यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसे आपको ध्यान से क्या करना है, देखकर रीड करना है और अच्छे से आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, तो आपका डी ओ और ई आपका एंगल बन गया इंटीरियर, इसके अंदर कौन है, इसके इंटीरियर मतलब इनसाइड अंदर की तरफ, एक्सटीरियर मीन्स बाहर की तरफ, तो इन इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, ठीक है, डी ओ ई मिल गया, अंदर कौन है आपके पास में, अंदर आपके पास में है ए, क्या है, पॉइंट ए, ठीक। सेकंड दिया है इन द एक्सटीरियर ऑफ, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, किसके बाहर की तरफ, तो यहां पर लिखा है ई ओ और एफ, ठीक है, ई और एफ, तो बाहर कौन कौन से मिल रहे हैं आपको, देखो सी मिल रहा है, ए मिल रहा है और डी मिल रहा है, ठीक है ना, तो आपको सी बाहर मिल रहा है, ठीक है, आपको फिर ए बाहर मिल रहा है और डी बाहर की तरफ मिल रहा है। फिर लिखा है ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ, ठीक है, ई ओ और एफ, ई ओ एफ पर क्या है वो देखते हैं, तो ई ओ एफ पर क्या है हमारा, देखो हमारे पास ई है, बी भी है, ओ भी है और एफ भी है, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट हैव, ठीक है, आपको ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स, आपको है ना टू एंगल्स का एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है और इसको सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट दिया है वन पॉइंट इन कॉमन, यहां पर हमको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना था, तो मैंने यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जिसमें दो एंगल्स है बी ओ डी और डी ओ ए, ठीक है, दो एंगल्स मैंने ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन था कि वन पॉइंट इन कॉमन, इसमें से एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो देखो पॉइंट ओ, पॉइंट ओ इज कॉमन,
इन ए ओ डी, ठीक है, एक ट्राइंगल हमारे पास में ए ओ डी और दूसरा है हमारे पास में बी ओ डी, जिसमें ओ क्या है हमारा कॉमन है, इस तरह का रफ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला था, ठीक है, राइट। नाउ इसी में सेकंड दिया है, टू पॉइंट्स इन कॉमन, थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, फोर पॉइंट इन कॉमन, तो ये जो दिख रहा है आपको इस तरह का डायग्राम पॉसिबल नहीं है जिसमें टू पॉइंट, थ्री पॉइंट या फोर पॉइंट कॉमन हो, ठीक। नाउ फोर्थ इज देयर, वन रे इन कॉमन, ठीक है, लास्ट है आपका ई, वन रे इन कॉमन। नाउ हमारे ई नंबर का क्वेश्चन था कि वन रे इन कॉमन, ठीक है, वन रे हमको कॉमन दिखानी थी, तो मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, जिसमें दो एंगल्स है ए ओ बी और दूसरा है बी ओ सी, ठीक है, तो रे ओ बी, तो आपको ये दिख रही है रे ओ बी इज कॉमन, इन दोनों एंगल में आपकी रे ओ बी इज कॉमन, ठीक है, कॉमन इन किस में है, वो ए ओ बी, ए ओ बी एंड बी ओ सी, तो टू पॉइंट्स ओ एंड बी आर क्या है आपके कॉमन्स है, राइट। तो यहाँ पर जो है आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।